हमारे जीवन में ग्रहों का जितना महत्व माना गया है उतना ही रत्नों का भी है। प्रत्येक ग्रह के लिए एक रत्न निर्धारित है। ये रत्न हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए भी रत्न धारण किए जाते हैं और यही वजह है कि फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक रत्नों को पहनते हैं। लेकिन ये रत्न तभी काम करते हैं जब वो असली हो। आजकल बाजारों में असली की जगह नकली रत्न भी खूब बिक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि असली रत्न की पहचान कैसे करें? तो आज हम आपको यही बताएंगे कि असली और नकली रत्न की क्या पहचान होती है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले रत्नों के विशेषज्ञ जौहरी एवं ज्योतिषी विशाल सोनी से लोकल 18 ने बात की। उन्होंने बताया कि रत्न एक खास तरह का पत्थर होता है जो जमीन से निकलता है। ये रत्न काफी पावरफुल होता है, इसलिए जरूरी है कि असली रत्न ही खरीदे, तभी भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। देखिए, असली या नकली रत्न की पहचान तो एक आम इंसान नहीं कर सकता। आपको एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक शॉप पे ही जाना चाहिए और सर्टिफाइड रत्न ही लेना चाहिए। फिर भी क्या हुआ, आजकल नकली सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं। तो आपको सर्टिफिकेट पे पहले देखना चाहिए कि उसमें नेचुरल लिखा हुआ है कि नहीं। नेचुरल जैसे पन्ना आप खरीद रहे हैं तो नेचुरल एमराल्ड उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। अगर केवल एमराल्ड लिखा हुआ तो वो सर्टिफिकेट नकली है। करीब 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले जौहरी विशाल सोनी ने हमें बताया है कि आमतौर पर यह पता लगाना आसान नहीं होता है कि रत्न असली है या नकली है, क्योंकि सटीक जानकारी के लिए तो लेबोरेटरी में जांच के बाद ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन रत्न खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ठगी का शिकार होने के चांस कम रहते हैं। इसकी पहचान केवल एक ही है कि आपको लैब टेस्टेड स्पिरिट सर्टिफिकेट ऑथेंटिक शॉप से ही रत्न खरीदने चाहिए और एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से ही खरीदने चाहिए। और रत्न को आप हाथ में लोगे तो एक आपको पत्थर की फीलिंग देगा, क्योंकि ये तो ये पत्थर ही, पर इसको जेमस्टोन बोला जाता है क्योंकि प्रीशियस है। आप नकली देखोगे तो उसमें या तो कांच की फीलिंग आएगी या फिर प्लास्टिक की फीलिंग आएगी। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में आप खरीद रहे हो, जैसे मौसम ठंडा है तो जो पन्ना है वो आपको ठंडा लगेगा, गर्मी में खरीद रहे हो तो थोड़ा गर्म फील देगा, क्योंकि ये तो वो पत्थर ही ना, जमीन से निकला हुआ चीज़ है। और उसमें आप इंक्लूजन देख सकते हो कि कुछ ना कुछ उसमें जाले गड्ढे या फिर कुछ पन्ने के पर्टिकुलर अगर बात करें तो उसके अंदर प्लेग इंक्लूजन आता है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ओरिजिनल है पन्ना। मेनली तो आपको एक सर्टिफिकेट के साथ में अच्छी ऑथेंटिक शॉप से ही खरीदना चाहिए। अब अगर आप भी कहीं किसी दुकान पर रत्न खरीदने जाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें और ठगी का शिकार होने से बचें। असली रत्न ही पहने ताकि आपके जीवन में रत्न का प्रभाव देखा जा सके। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।